अच्छा स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बोन्स कंबाइन होकर स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन फिर हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक स्केलेटन एक्सोस्केलेटन है और एक एंडोस्केलेटन। वो स्केलेटन जो बॉडीज के अंदर होते हैं उसको कहते हैं एंडोस्केलेटन। लाइक हमारा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं लाइक चुएंटी कि उनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है जो हमें इजीली नज़र आता है, तो उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 8 खोलें, वहाँ पे आपको वर्क इट आउट दिया गया है। लुक एट द मसल्स, बोन एंड जॉइंट, एक पिक्चर है, साथ में एम्प्टी कॉलम्स है। आप लोगों ने यहाँ पे मसल्स, जॉइंट और बोन्स को लोकेट करना है इन एम्प्टी कॉलम्स में। उसके बाद एक्सरसाइज बी को देखें, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को ब्लैंक्स दी गई है और साथ में टू ऑप्शंस हैं। ब्लैंक को केयरफुली पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और जो करेक्ट ऑप्शन है उनको फिर ब्लैंक्स में लिख लें। इसके बाद एक्सरसाइज सी को देखें, लुक एट द क्लू बिलो टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। आप लोगों ने इस क्लू में करेक्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। पहला वर्ड क्या, कौन सा फाइंड आउट करना है? दीज हेल्प इन द मोमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। वो कौन सा वर्ड है जो कि बॉडी पार्ट के मोमेंट में हेल्प करता है। नंबर सेकंड देखे, इट गिव्स आवर बॉडी शेप, ये हमारे बॉडी को शेप देता है। दिस मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोन्स आर जॉइंट हेयर, बोन्स कहाँ पे जॉइंट होते हैं? आप लोगों ने इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना काफ़ी था। एक्सरसाइज ए के आंसर्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। थैंक यू।